जा रही माँ साहब के रत्त सो ये तो पानी है। अरे भज्जा ऐसे तो बरसात भी कम हो जा रही है। ऐसा कहा माँ साहब, आप लोग लगातार वृक्ष काट रहे हैं और रेगुलर जो ये मोटरसाइकिलों का उपयोग कर रहे हैं, इससे वातावरण हमारा प्रदूषित होता है, इसके कारण पानी की कमी आएगी आगे चल के। माँ साहब तुम्हारे कहवे को मतलब जो है कि हम अपनी ससुराल जाओ बंद। अरे बच्चा जो कहवे को मतलब नन्हे का ससुराल जाओ बंद कर दे, मगर जो अनावश रूप से यहाँ पर मोटरसाइकिल गाड़ी का उपयोग कर रहे हो जो तने कम कर दे जी में अपनो पर्यावरण साफ और स्वच्छ रहो आवे। अरे माँ साहब इतना तो पानी के रहते हर सा कबों को अनुसार तो के बाढ़ आ जाते हैं। बच्चा जो ही कारण है पर्यावरण अगर प्रदूषित रहे तो कहूँ बाढ़ आए और कहूँ सूखा पड़े, यही से मज्जा पेड़ पौधों के लिए नहीं काटो। अच्छा माँ साहब समझ गए हम। क्या समझ गए? अरे माँ साहब नल के पानी हो तो बचा पावी लेकिन बरसात के पानी को कैसे बचा पावी? अरे सही कह रहे कड़ोरी भज्जा तुम। माँ साहब बहते हुए पानी को कैसे रोके? भज्जा एक को भी एक सरल सो उपाय है, जहाँ बरसात को पानी बह रहा है उसे आप गड्ढा कर ले, सोखट वाले जी में जो जो पानी गिरा थे बरसात को जो जमीन में ये है, जमीन में ये जो अपने पृथ्वी में जो पानी की कमी है को संतुलन बनो रहे है। और माँ साहब जो नालियों को पानी बहते ये को काकरन लगे। अरे भज्जा ये को भी एक साधारण सोपा है कि आप अपने ये जो नाली को पानी बह रहा है आप अपने खेत में ले जाके इसे कई प्रकार की फसलें उपजा सकते हो। अरे माँ साहब आपने तो मई आंखें खोल दी बच्चा, अब हम पानी को बचाओ कर रहे रोज। हाँ बच्चा तो ये और तो समझ गए, अब आप लोगों की बारी है कि पानी कम से कम व्यर्थ बहाने और पानी बचाने। अब आप भी समझ जाओ जल है तो कल है, इसीलिए बोलते हैं जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। बच्चा एक छोटा